तो हेलो जी, मैं हूं अनिल। मेरे नए वीडियो में आपको स्वागत है। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपको टाटा का हैरियर दिखाने वाला हूं, जो कि फेयरलेस प्लस वेरिएंट है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। इसकी बात की जाए तो ये गाड़ी मस्त फेसलिफ्ट में आई है। तो अभी बहुत सेल हो रही है गाड़ी, और मस्त हल्का मचा के रख दिया है ये गाड़ी। मतलब कि टाटा की हैरियर आई है फेसलिफ्ट, और पहले भी बहुत ज़्यादा बिक रही थी, अभी और ज़्यादा बिक रही है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं कि ओवरऑल लाइट की बात की जाए, कुछ इस तरह से आपको कनेक्टेड DRL मिल जाता है, और इसकी यहाँ पास की हेडलाइट की बात की जाए तो पूरा आपको लेडी लाइट में मिल जाता है। तो फ्रंट की लुक की बात की जाए, कुछ इस तरह से आपको फ्रंट का लुक मिल जाता है, जिसमें कि आपको पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पास मिल जाता है। दो ठाने आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है। और ग्रिल की बात की जाए, कुछ इस तरह से आपको ग्रिल दिया गया है। यहाँ पास प्लेट नंबर लगाने के लिए जगह दिया गया है। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पास ब्लैक कलर में दिया गया है, जिसमें कि आपको यहाँ से हवा निकलने के लिए, मतलब कि टायर को ठंडा रखता है, जिससे कम हो जाता है आपका टायर फटने का, और कोई बड़ा सा आपको यहाँ बोनट मिल जाता है, ठीक है। और इधर भी वैसे ही दिया गया है। और फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पास आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, और इधर आपको DRL पूरा कनेक्टेड DRL आपको मिल जाता है। और इधर की बात की जाए तो यहाँ पास आपको टॉप मॉडल में कुछ इस तरह से मिल जाता है, और डार्क में आपको 1 इंच आपको बड़ा मिल जाता है। तो यहाँ पास आपको 235/60 R18 का प्रोफाइल का आपको टायर मिल जाता है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आपको 11 मिल जाता है ब्लैक कलर में, और फ्रंट में आपको डिस्क में मिल जाता है। पीछे में देख लेते हैं हम, पीछे में क्या मिलता है। तो पीछे में भी आपको डिस्क मिल जाता है। और यहाँ पास आपको हैरियर दिया गया है, हैरियर के यहाँ पास बेजिंग दी गई है। और यहाँ की बात की जाए, यहाँ पास ब्लैक कलर में आपको मिरर दिया गया है, जिसमें कि आपको LED में दिया गया है ये। और इधर की बात की जाए तो यहाँ पास आपको LED में आपको मस्त ये चेंज हो चुका है। और टेल लाइट की बात की जाए तो तगड़ा सा आपको टेल लाइट मिल जाता है, जिसमें कि अच्छा खासा इसमें लाइट मिल जाता है, पूरा यहाँ पास भी कनेक्टेड मिल जाता है। और यहाँ पास कुछ पीछे की बम्पर की बात की जाए, कुछ इस तरह से आपको बम्पर मिल जाता है, जिसमें कि आपको मैट कलर में दिया गया है, ठीक है। तो साइड में हैरियर की बात की जाए तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आगे और पीछे का हुआ है, और इंटीरियर का हुआ है, बाकी सब सेम सा है। तो इस गाड़ी की चाबी की बात की जाए, कुछ इस तरह से आपको चाबी मिल जाता है, जिसमें कि यहाँ पास लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, हेडलाइट को चालू करने के लिए, और यहाँ पास ओपन करने के लिए डिग्गी को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इसकी डिग्गी को बात कर लेते हैं। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पास होल्ड करके रखने पर डिग्गी का बटन, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक में खुल जाता है, कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक में दिया 445 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। JBL का आपको बूफर मिल जाता है। इधर इसकी बात की जाए तो यहाँ पास कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। और इसकी स्पेयर व्हील की बात की जाए, मतलब कि यहाँ पास दिया गया है, जिसमें कि आपको ऐसे ही मिल जाता है रिंग में, और यहाँ से बटन दिया गया है, और इसको एडजस्ट करने के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये इलेक्ट्रिक में दिया गया है। अब यहाँ पास हैरियर की बेजिंग दी गई है, और यहाँ पास टाटा का लोगो दिया गया है। और इधर की बात की जाए तो 360 का आपको कैमरा दिया गया है। और पीछे की बात की जाए तो दो ठाने आपको पार्किंग सेंसर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ की बात की जाए तो वाइपर यहाँ पास दिया गया है, और इधर वाशर यहाँ पास दिया गया है। इस गाड़ी की लेंथ की बात की जाए तो 4605 mm का आपको लेंथ मिल जाता है। विड्थ की बात की जाए 1922 mm का आपको विड्थ मिल जाता है। इसकी हाइट की बात की जाए तो 1718 mm का हाइट मिल जाता है। व्हील बेस की बात की जाए तो 2741 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर दिया गया है, जिसमें कि आपको ग्रीन सा आपको मिल जाता है ये। इसकी बात की जाए तो यहाँ पास आपको कुछ इस तरह से आपको गियर नॉब दिया गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पास रिवर्स न्यूटन और ड्राइव का दिया गया है, और पार्किंग का यहाँ पास दिया गया है, और ऑटो होल्ड दिया गया है, और इलेक्ट्रिक में आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। इंजन स्टॉप ऑन का बटन यहाँ पास दिया गया है। एसी की विंड की बात की जाए तो ऐसे पुराना ही तरह का आपको एसी का विंड मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको फोर स्पोकन व्हील मिल जाता है, स्टेयरिंग व्हील। और यहाँ पास आपको टच में दिए गए हैं। और इसी के साथ इसकी चालू कर लेते हैं, किस तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है। डोर को बंद कर लेते हैं।
तो टाटा को लोगो यहाँ पास आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास दिया गया है, ठीक दिया गया है, पैडल शिफ्टर इस गाड़ी में आ जाती है, मैनुअल में नहीं आती है कोई भी गाड़ी में। और ये यहाँ पास पैडल शिफ्टर दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक में आती है। और बात की जाए तो यहाँ पास आपको हल्का हल्का सा सॉफ्ट में दिया गया है, और आपको 7 एयरबैग मिल जाता है, नी एयरबैग यहाँ पास मिल जाता है पीछे में, और बाकी सब आपको ऐसे ही मिल जाता है। और JBL का आपको साउंड सिस्टम मिल जाता है। और इसकी बात की जाए तो सन से बचने के लिए यहाँ पास दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पास मिरर वगैरह नहीं दिया गया है। इधर की बात की जाए तो यहाँ पास मिरर दिया गया है लाइट के साथ। और एयर इसकी बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको पीछे पीछे आपको सनरूफ खुल जाता है, बड़ा सा आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको सनरूफ खुल जाता है, ठीक है, एक ही बार में आपको पैनोरामिक उधर उधर चला जाता है, कुछ इस तरह से आपको सनरूफ खुल जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ खुल जाता है सनरूफ टाटा हैरियर का। अब इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पास आपको मतलब कि नेक्सॉन की तरह ही आपको यहाँ पास मिल जाता है। और इधर की बात की जाए तो गियर नॉब कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। और यहाँ पास USB चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, और इधर टाइप सी केबल का डालकर चार्जिंग कर सकते हैं। 45 वाट का यहाँ पास सबको चार्जिंग करने के लिए दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए कुछ इस तरह सॉफ्ट क्लोज ग्लव बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पास लाइट दिया गया है हैलोजन बल्ब के साथ। लेदर की बात की जाए तो लेदर में आपको यहाँ पास दिया गया है, कुछ इस तरह से आपको स्टिचिंग दिया गया है। और इधर की बात की जाए तो यहाँ पास आपको क्रोम में दिया गया है। पावर विंडो की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पास पावर विंडो दिया गया है, जो कि लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पास दिया गया है पावर विंडो को, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इधर की बात की जाए तो SOS का बटन यहाँ पास दिया गया है, यहाँ पास कॉल करने के लिए दिया गया है। तो इसकी सीट की बात की जाए तो फ्रंट में आपको दोनों आपको एयर वेंटिलेटेड सीट कवर मिल जाता है। यहाँ पास मेमोरी सीट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन लोगों का आपको मेमोरी सीट मिल जाता है, और आगे पीछे करने के लिए यहाँ पास दिया गया है। और पैडल की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको एक्सीलेटर एंड ब्रेक पैडल यहाँ पास दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पास बॉटल होल्डर दिया गया है। और स्पीकर की बात की जाए तो JBL का आपको साउंड सिस्टम मिल जाता है, ठीक है, और बुफर भी मिल जाता है। और 50 लाख गाड़ी की यहाँ पास बेजिंग दी गई है। अब इसी के साथ चलते हैं पीछे में, पीछे की बात की जाए तो चलिए इसी के साथ पीछे में चलते हैं। हेडरेस्ट कुछ इस तरह से दिया गया, जिसमें कि आपको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा लेदर सीट कवर आपको मिल जाता है। और सामने के लुक की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। और JBL का पूरा साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है, और इंफोटेनमेंट से आप अलग से सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसकी बात की जाए तो ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस गाड़ी की इंजन की बात की जाए तो 1956 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है। और इसकी BHP की बात की जाए तो 167 का आपको BHP मिल जाता है, 350 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। और इसकी बात की जाए तो 445 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। SUV है गाड़ी बॉडी टाइप, और 7 एयरबैग के साथ आती है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। डुअल जोन आपको AC मिल जाता है।